आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। कांग्रेस ने शनिवार रात राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों सहित 8 राज्यों के लिए चुनाव समितियां गठित की हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का भी गठन किया है। पार्टी ने एक आधिकारिक सूचना में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की प्रदेश चुनाव समितियों और मध्य प्रदेश की राजनीतिक मामलों की समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा को राज्य में प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति में अन्य सदस्यों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह सदस्य हैं। के सुधाकर को केरल के प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति में एके एंटनी, केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला, वायलर रवि, वीडी सतीशन, के सुरेश, शशि थरूर और मुलापल्ली रामचंद्रन जैसे नेता शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को राज्य की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में पीसीसी प्रमुख प्रतिभा सिंह प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्ष होंगी। इस समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, ठाकुर कौल को रखा गया है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश चुनाव समिति के प्रमुख होंगे, जिसमें दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और कमलनाथ सदस्य होंगे। पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए एक राजनीतिक मामलों की समिति भी गठित की है। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।